बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। फाइलम कॉर्डेटा के जो जनरल करैक्टरिस्टिक्स थे वो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस कर दिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके सब फाइलम एंड सुपर क्लासेस एंड क्लासेस के बारे में। तो जो आपके पास फाइलम कॉर्डेटा है इसको फर्दर तीन जो है वो सब फाइलम के अंदर कैटेगराइज किया गया है। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, इसके अंदर बेसिकली सिसाइल टूनिकेट्स आ जाते हैं, मतलब ये इनका जो मोड ऑफ लाइफ है वो सिसाइल है, ये मोटाइल नहीं होते। लेकिन चूंकि हमने बात की है कि ये कॉर्डेट्स हैं, फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं, इसी का सब फाइलम है, तो कहीं ना कहीं तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। तो ये जो इनका लार्वी होता है वो लार्वल स्टेज होती है, वो फ्री स्विमिंग होता है, फ्रीली स्विमिंग होता है, और इसके लार्वल स्टेज पर जो है वो नोटोकॉर्ड जो है वो पाई गई है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट यूरोकॉर्डेट्स, और यूरो का मतलब ही होता है टेल, और कॉर्डेट्स ऑब्वियस सी बात है कि क्या आएगा यहां पर, यहां पर आपके पास नोटोकॉर्ड आएगी। तो टेल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा एक लाइफ में किसी भी स्टेज पर, क्योंकि फाइलम कॉर्डेटा में हमने ये बात की थी कि चाहे वो लार्वल स्टेज हो, चाहे वो फीटल स्टेज हो, चाहे वो थ्रू आउट द लाइफ हो, नोटोकॉर्ड बनेंगे जरूर, तभी वो आपके पास क्या कहलाएंगे, कॉर्डेट्स कहलाएंगे। सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा आ जाता है। सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलो का मतलब है सेफलाइजेशन, यानी कि हेड की फॉर्मेशन हुई है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आया है कि एक तरफ हेड बनेगा और एक तरफ क्या बनेगी, टेल, एक तरफ पोस्टीरियर एंड और एक तरफ एंटीरियर एंड, हेड एंड कॉडल, ठीक है। ये यहां पर कॉन्सेप्ट आया सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर, हेड की फॉर्मेशन हुई है और इसकी पूरी लाइफ में, इसकी जो थ्रू आउट लाइफ है उसकी बॉडी में क्या चीज मौजूद है, नर्व कॉर्ड्स के साथ साथ नोटोकॉर्ड भी जो है वो मौजूद है। तो इसकी एग्जांपल जो है एम्फियोक्सिस है, इसको हमने बड़ा डिटेल प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट आता है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ऑब्वियस सी बात है वर्टिब्रेटा बता रहा है कि यहां पर वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी मौजूद होगी, स्केलेटल सिस्टम में रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में फिर क्लासेस आ जाती हैं, सुपर क्लासेस, सुपर क्लास जो है वो पाइसिस आ जाती है, सुपर क्लास जो है वो टेट्रापोड्स आ जाती है। सुपर क्लास पाइसिस में साइक्लोस्टोमेटा, ऑस्टिकथीस यानी के बोनीफिश एंड कॉन्ट्रिकथीस जो है कार्टिलेजिनस फिश आ जाती है, और ये जो आपके पास साइक्लोस्टोमा, इसको आज हम डिस्कस करेंगे, ये बेसिकली क्या, इसकी एटमोलॉजी क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद सुपर क्लास टेट्रापोड आता है, उसमें एम्फीबियंस आ जाते हैं यानी कि चार पाँव वाले, ये चार टेट्राप मीन चार और पोड मीन अपेंडिजेस, पाँव हो सकते हैं, दो हाथ हो सकते हैं, चारों हाथ हो सकते हैं, चारों पाँव हो सकते हैं, मतलब फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब की बात करूँ, लिम्ब्स यानी कि अपेंडिजेस आ जाते हैं। उसके बाद रेप्टाइल्स आ जाते हैं, एवीज आ जाते हैं और मैमल्स आ जाते हैं, ये है सुपर क्लास टेट्रापोड। आज की जो हमारी पहली क्लास है वो है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो जो है वो आपको पता है कि साइक्लिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब राउंड शेप है। स्टोमा मीन माउथ, इनका जो माउथ होता है वो राउंड शेप होता है। इसकी एग्जांपल्स में आपके पास हैग फिश आ जाती है, लैम्प्रे आ जाती है, लैम्प्रे एंड हैग फिश आ जाती है, ठीक है। अब इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि ये जा लेस होती है, इनमें जा नहीं होता, ठीक है। तो मोस्ट प्रिमिटिव है, सबसे पहले ये देखी गई हैं, ये जा लेस हैं, इसी वजह से इनको साइक्लोस्टोमेटा कहा गया है। उसके बाद नो पेयर अपेंडेजेस, यहां पर अपेंडेजेस देखने को नहीं मिलते, ईल लाइक बॉडी है, स्ट्रीम लाइन बॉडी है, कोई अपेंडेजेस यहां पर नहीं है, इसी वजह से बॉडी इज लाइक ईल, ईल की तरह लाइक ऐसे ही सीधी सी बॉडी है, कोई अपेंडेजेस नहीं है यहां पर, ठीक है, अपेंडेजेस नहीं है जो जिनको ये क्या करवा सके, मूव करवा सके। वेंट्रल सेक्टोरल माउथ होता है, यानी कि माउथ इसका इस तरह से डेवलप है कि वो सकिंग करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कि यहां पर फिर क्या होगा कि अगर वो फ्लूइड की फॉर्म में ले रहा है मटेरियल्स को, तो यहां पर क्या होना है, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होना। तो आगे देख लेते हैं, हार्ट इज विद वन ऑरिकल, इसका जो हार्ट है उसमें सिर्फ एक ही ऑरिकल होता है, लाइक ये आगे ये एक सिंगल एक ऑरिकल होगा।
ऑरिकल्स क्या है, मैंने चैप्टर नंबर 14 के अंदर क्लियर कट जो है वो हार्ट ऑफ फिश जो है उसके अंदर बड़ा क्लियरली बता दिया। अगर आप ये इस बारे में कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर अगर मैं डिस्कस करूंगा तो लंबा हो जाएगा, आप जो है वो चैप्टर नंबर 14 में जाके उसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके गिल्स होते हैं 16 to 14 पेयर ऑफ गिल्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जो कि लेटरल साइड पर मौजूद है। नो स्टमक, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि अगर ये सक करता है तो किसी लिक्विड को ले रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें स्टमक पर वेल डेवलप नहीं होगा, या हो गई तो यहाँ पर इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक होते ही नहीं है। स्टमक ने तो बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करना है या मिक्सिंग ऑफ फूड में हेल्प करनी होती है, तो वो यहाँ पर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ये सेपरेट सेक्सेस होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग हो सकते हैं लैम्प्रे के केस में, और हर्मेफ्रोडाइट हो सकते हैं हैग फिश के केस में, मतलब मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल के अंदर होंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन यहाँ पर जो है वो एक्सटर्नल है, इसका मतलब है कि फिर इनको जो गैमेट्स हैं वो ह्यूज नंबर्स में जो है वो बाहर निकालने पड़ते हैं। हैगफिश में तो मतलब इतना ज्यादा नहीं है टाइम लगता फर्टिलाइजेशन में, लेकिन लैम्प्रे के लिए फर्टिलाइजेशन जो है वो डिलेड होती है, काफी टाइम लग जाता है। और कहा जाता है कि जो लैम्प्रे होती है इसको जो है वो एक दफा आना पड़ता है जहां पर दरिया समंदर में गिरता है, जहां पर फ्रेश वाटर मैरीन वाटर के साथ मिलता है, तो इस जगह पर आके इन्होंने अपने एग ले करने होते हैं, कुछ इस तरह का सीन होता है इनके बिहेवियर के अंदर, ये चीज आती है, दैट्स व्हाई वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है फर्टिलाइजेशन में। सो यहां तक ये थे इसके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट जो हमारा होगा इंशाल्लाह वो होगा ऑस्टिक थाइस एंड कॉन्ट्रिक थाइस के बारे में। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।